हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। एनआईटी विधानसभा में है, लोगों ने ये बताया है कि भैया इस गली का पहले हालात देख लीजिए, आगे तो टैंकर भी मुड़ रहा है, वो देख ट्रैक्टर देख रहे हैं ना, पानी मिलता है यहाँ पर, मतलब टैंकर वैंकर से पानी आते हैं, वो तो चलेगा चलेगा, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से ये गंदगी है, यहाँ पर गलियों की जो समस्या दिखती है वो बड़ा लाचार है। मतलब सीवर भी ऐसे ऐसे, पहले सीवर दिखा देते हैं गंद कैसी, भैया पास में मत दिखाना है क्योंकि थोड़ा गंद है, सीवर नहीं है जी, देख लिया जी सीवर किस तरीके से, दूर दूर से दिखाना किस तरीके से, पूरी गली है ये लोगों के देखें जिस तरीके से, और पीछे भी दिखाएं, पीछे भी देखेंगे तो लास्ट तक पूरी कॉलोनी की गली गली है। तो लोगों से जब पूछा कि भैया कैसे विधायक साहब के पास गए, तो कहते हैं कि भैया हमें यहाँ से वोट मिला ही नहीं, तो हम मतलब सीधा सीधा नेता या विधायक तो भैया सबका होता है, जीतने वाले का भी, जिसने वोट दिया उसका भी होता है, जिसने वोट नहीं दिया उसके साथ भी होता है, लेकिन इस तरीके से सौतेला व्यवहार करना विधायक साहब को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि नीरज शर्मा यहाँ के विधायक हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या रहा था जी, अब इन समस्याओं को लेकर, चलिए पहले पूछते हैं दूर से, थोड़ा क्या कहना चाहेंगे जी इन समस्याओं को लेकर, विधायक साहब के पास गए थे आप? देखो जी, ऐसा हम कम से कम 20 आदमी गए थे। हाँ हाँ, इधर और विधायक साहब ने पहले बोला कि करा देंगे करा देंगे, करा दो। हाँ ठीक है, लास्ट में ये बोला जी हमें संजय कलोन से वोट मिली नहीं। कौन थे विधायक? नीरज शर्मा। तो भैया मतलब वोट ना मिला तो विधायक ना हो, मतलब कैसे करोगे फिर? तो बोला भाई कम्प्लेक्स हाउस टैक्स भरते हो, कम्प्लेक्स जाओ, नगर निगम जाओ, आपके पास ना आए, हमारे पास मत आओ, हमारे पास मत आओ, और ये शब्द और बोला, यानी वाली मत देना जी, ये शब्द और बोला कि भाई मेरे को खाना जल्दी खिला दे, मेरे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, खाना खाना जल्दी खिला दो। अच्छा, क्यों कहाँ खाना खिला दो भैया, मतलब यहाँ वो अपने उसमें थे, उन्होंने बोला कि खाना खिला दो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, जब भी कौन बोले? नीरज शर्मा। मतलब आप अपनी समस्याओं को लेके जो ये दरिया बहता है, समस्या लेके जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सर वहाँ पे। विधायक साहब बोलते क्या है? वो बोलते हैं जी हमारे उसमें है ही नहीं, और फिर नहीं उसमें बाड़ी नहीं है हमारे, ये घोड़ा वाली गली किसी में भी, और लास्ट में यही बोलते हैं कि हमको किसी ने वोट ही नहीं। यहाँ पर जो यहाँ जो मैं पोस्टर जो दे गए हैं यहाँ के, थोड़ा यहाँ के पूर्व विधायक के लगे हैं, तो समझ में आता है घोड़ा वाली गली कहाँ पड़ती है, एनआईटी में ही पड़ती है। एनआईटी विधानसभा पड़ती है। अच्छा, मतलब आप जाते तो कहते हैं जी आपने वोट नहीं दिया, ऐसा कुछ? हमको वोट ही नहीं मिली। अच्छा, हाँ जी, अगर वोट नहीं मिली तो फिर यहाँ पे हमारा क्या काम है? तो वोट नहीं मिली तो भैया विधायक तो सबका होता है, प्रधानमंत्री साहब को बहुत सारी वोट नहीं मिली, जनता ने नहीं दी, तो क्या प्रधानमंत्री साहब हमारे नहीं है क्या? जिसने दिया वो उसका भी है। खटाना साहब के पास में उन्होंने ये कहा था भाईचारे में हम आपका काम करा देते हैं। भाईचारा नहीं है, एहसान नहीं है कर रहे वो, विधायक भी एहसान, पार्षद एहसान नहीं कर रहा, उनका कर्म है धर्म है, आपने जिताया है उनका फर्ज बनता है, एहसान कोई नहीं कर रहा नेता इनमें से। काम होने के बाद में सामने हमसे यही बोला गया। अच्छा, तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन नहीं कोई काम, 5 साल तक यही धक्के, 5 साल से ये साल पानी भी टैंकर से आ रहा है, पानी टैंकर से, अगर लाइन में पानी भी गंदा आता है, बिल्कुल गंदा आता है पानी, बिल्कुल ही गंदा। ये जो नाला ये बह रहा है, नाली के पानी आता है, बिल्कुल नाली के पानी। विधायक के पास नहीं गए? हम गए, थक गए, हम थक गए। हाँ, तो वोट में थकाओगे फिर तो, फिर आए, फिर इलेक्शन आ रहे हैं, थक चुके हमें, जो हमें काम करवा, इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या करोगे जी फिर? तो हमारे जो काम करवा के देगा उसे हम, अपने बच्चे को भूखे रखे, हम पाइप लाइन अपनी डलवाएंगे और अपने बच्चे को, इलेक्शन आएंगे फिर वोट मांगने आएंगे, फिर किसी को नहीं देंगे हम, सब सबसे दूर, किसी को वोट नहीं देंगे हम, नहीं देंगे। विधायक साहब आपके पास आ गए, बहन जी अब करा दूंगा, इस बार और मौका दे दो, कराओ ना, ये हमारे कराओ, नहीं देंगे। क्या बोला? ठेंगा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। विधायक साहब आपके पास आ गए, नीरज शर्मा भर भर रहे तो क्यों देंगे भैया, पागल है क्या? वो कह दे जी बहन जी पैर पूजा के भी हम माफ, नहीं नहीं पूजना है, नहीं पूजना, नहीं पाओ नहीं। विधायक साहब को आने ना दोगे? हाँ नहीं देंगे, पैर पूजवानी नहीं है, मतलब इस बार विधायक साहब को नहीं आने देना। पहले गाली बाद में पाओ। वो कहते हैं जी मेरे से, मैं सत्ता में नहीं हूँ, फलाना हूँ, बहुत सारी चीजें कह जाते हैं, हमारे वोट ही नहीं हम देंगे। अच्छा वोट नहीं है, मतलब वोट नहीं है तो मतलब आपके काम नहीं होगा? है लेकिन दूंगी नहीं। अच्छा मतलब इस बार नहीं दोगे? नहीं नहीं। मतलब सोचेगा विधायक साहब के खिलाफ कैसी नाराजगी है कि भैया पैर भी ना पुजवाएंगे, ध्यान से आना विधायक साहब। क्या काम इस गली में, क्या करेंगे हम इसमें, जिसमें हमारे बच्चे परेशान, हम परेशान, बताओ कैसे करेंगे में। पूरी गली दिखा रहा हूँ, पूरी गली दिखा रहा हूँ, हम तो रोड पे सो गए, पानी आ रहा, देखो अंदर जाओगे तो। अच्छा ये ना जा पाए तो आप सब गए हो कभी विधायक के पास? गए हैं भैया, मना कर देते कि हमारे वार्ड में नहीं है। अरे वार्ड में नहीं है, वार्ड नंबर है, वार्ड में नहीं आता। कौन सी? ललिता है आपके यहाँ? ललिता, हाँ। कौन सी कॉलोनी? घोड़ा कॉलोनी, कौन सा? घोड़ा कॉलोनी, घोड़ा वाली गली पड़ती है वाली गली। भैया विधायक साहब, विधायक साहब अगर आपकी गली में आ रही है तो भैया ये देखिए, लेकिन ये बार बार नीरज शर्मा ही ले रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार वार्ड बदल जाते हैं, मूलचंद शर्मा जी भी रहते हैं, लेकिन ये सब नीरज शर्मा का ही नाम ले रहे हैं, तो मतलब विधायक एक बार आए
थे जिस टाइम वोट, मतलब विधायक आपके वही हैं, वोट मांगने आए थे उस टाइम आए थे, हमने वोट भी उनको दी थी, आए थे, मतलब आए थे, उन्हीं का वार्ड है। हाँ जी, कौन सा विधायक है आपके यहाँ का? हमारे विधायक नीरज शर्मा है। तो भैया आप ना गए, आप भी चलो, महिलाएं नहीं गई तो भैया आप जेंट्स आ सकते थे। हम लोग गए थे, बोले हमारे वार्ड नंबर नहीं है। अरे तो भैया विधायक तो आप ही तो वार्ड, मतलब आपका नहीं, मतलब क्या है? वो कह रहे कि हमारे करवाएंगे, अभी तक नहीं करवाते। अच्छा, अभी तक नहीं करवाते? नहीं। अच्छा जी, क्या हुआ चाचा, आप सभी गए हो कुछ? हाँ, हम सभी गए थे। अच्छा, ये यही बोल रहा कि भैया हमें वोट नहीं मिली, हम काम नहीं कराएंगे, हमने हमको वोट नहीं मिली, हम नहीं कराएंगे। मतलब ये बताइए ना, अरे एक बताइए, अब ये प्रधानमंत्री साहब को बहुत बार वोट लोगों ने नहीं दिया होता, बहुत लोग दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सबके लिए, विधायक तो सबके लिए, सबके लिए कहते ना, जीतने के बाद नेता सबका होता है, सबका होता है। तो फिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? ये हमारे साथ तो घना हो रहा है। तो इस बार आएंगे फिर कहेंगे भैया माफ करना, गलती होगी, अगली बार फिर कर दूंगे सर ऐसा, तो फिर क्या कहोगे? क्या कहेंगे जी, कुछ नहीं कहे, हम तो फिर वोट डाल दोगे, फिर आप फिर भैंका हो गए? हाँ, वोट ही डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो भैंक जाते हो हर बार? अच्छा, वार्ड दो पड़ गई इस गली में, एक एक गली में ना दो। मैं सिर्फ विधायक पूछ रहा हूँ, अभी पार्षद से कोई लेना देना नहीं भाई साहब मेरे को भी। विधायक जो है ना उदय शर्मा, उनके भाई एक छोटे हैं, बड़े भाई वहाँ वो बैठते हैं ऑफिस में, वहाँ हम जाते हैं तो वो गुंडागिरी करते हैं। ठीक है, गुंडागर्दी मतलब कैसे? उल्टे से बोलते हैं। चलिए, वो गुंडागर्दी नहीं किया, हो सकता है किसी आदमी में, लेकिन मैं सी से बोलता, विधायक साहब मिलते हैं आप? विधायक साहब मिलते, कभी नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्या पता चलता है? हम जाते हैं, उनके भाई मिलते बैठे हुए ऑफिस में। तो वो कहाँ मिलते हैं? हमें क्या पता, क्या जवाब मिलता है फिर? उल्टा जवाब मिलता है। अच्छा, उल्टा जवाब, ये जनता की राय देख लीजिएगा, लाइव ले जा रहा हूँ इसलिए। चाचा बोल होता है हमारा। अच्छा बोल, अगर कोई बड़ा बूढ़ी आए, कोई भी जिंदा आदमी खत्म हो जाए तो ये लगा लो यहाँ पे वोट की रास्ता ना, और यहाँ पे बैठेंगे किसी आदमी को लेके समाज में। अर्थी भी गिरते पिटते ना चली जाए, अर्थी भी गिरने के डर रहता है, बारिश के टाइम पे शादी विवाह की तो अलग। अभी तो हाँ, ये बात देख लीजिएगा, अभी बारिश नहीं हुई है भैया, बारिश हो जाए पीछे दिखाना, एक बार पीछे दिखाओ इसको, पीछे तक पूरा तामझाम, ये प्यारा सा बीच में, ये तो भैया बॉर्डर बना दिया, इस बीच में गली में से निकल के आता है, और यहाँ तो बहुत कम है, तो छोटी छोटी निकल रही है, तो इतना सा आगे तो भयंकर हाल है। नहीं ठीक है, एक साइड से दिख जाता है, एक साइड। अच्छा आगे भी दिखा दो, क्या आगे भी और है? थोड़ा जल्दी दिखाइएगा, जल्दी। गली वालों ने अपनी सफाई खुद कर ली है। हाँ, छोड़ दो। गली वालों ने अपनी सफाई खुद कर ली है, बीच में बॉर्डर बना के, कम से कम ये तो है कि एक पानी निकलने का रास्ता बना, निकासी के लिए जुगाड़ किया है, जुगाड़ किया है लोगों ने अपने घर के आगे, मलवा मिट्टी जुगाड़ थोड़ा बहुत लगा लोगों के, मतलब वो विधायक साहब ही करा देते, विधायक साहब पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे कोई पता नहीं, बेकार है। हाँ देखो जी, विधायक जरूरत नहीं भाई, जरूरत नहीं है। ओहो, अब देख लीजिएगा विधायक की, हम चल ही रहे हैं, मतलब इस गली में जहाँ तक चल रहे हैं, ये देखिएगा गंद फैल रखा है इस गली में, मतलब सीधा सीधा किसी काम के नहीं भाई। वो कौन विधायक? अच्छा, नाम क्या है? नीरज शर्मा कुछ काम के नहीं है, देखिएगा ये जनता की राय है। चलिए भैया, अरे तो बहुत आगे तक चलता रहेगा ये मलबा मसाला, ये तो चलता रहेगा नारी। अरे हम तो आए हैं, आप कहाँ ले जाओगे? अरे घर में मत ले जाओ जी, घर में मत ले जाओ, बस यहीं की बात कर लो, यहीं से दिख रहा है समस्या, यहीं से दिख जाती है, जमीन पर दिख जाती है समस्या, घरों में मत ले जाइए जी, अपने अपने घर के आगे मत। देखिए मलबा वलबा डाल के लोगों ने पानी की रोका है, क्योंकि देखिएगा जमीन घर नीचे पड़ गया, हट जा बच्चे हट जा घर के, देखिए ये घर नीचे है, अब सोचिएगा बारिश हो जाएगा तो पानी चला जाएगा इसके अंदर और जाता है, और यहाँ मलबा डाल के उसे ऊंचा किया गया, मतलब सीधा सीधा है जनता की समस्याएं दिख रही है, मतलब सीधा सीधा है कि जनता अपना, जनता मर रही है कट रही है, नहीं ठीक है वो दिख जाएगा, ये देखिएगा हाल, किसी के घर के आगे का हाल देख लीजिए, ये घर का हाल है, मतलब भाई का हिसाब मुझे लगता है बंदी कर दिया होगा इस चक्कर में। अभी देखिए घर के हाल हो क्या, घर के आगे सीवर की ऐसी समस्या है कि घर का बुरा हाल है ना, ये गड्ढा वड्ढा के अंदर क्या है, गहराई है क्या इसमें? ये रोड है, ये रोड है जी आपका, इसे रोड बोल रहे हो? अरे इसमें तो ना पत्थर पड़ा है ना कुछ पड़ा है ना इंटरलॉकिंग टाइल पाइल कुछ, इसको रोड बोल रहे जी, दगड़ा शर्मा जी के राज में यही हाल है, और हमको 3 साल हो गए यहाँ पे परेशान होते हुए, लेटरिन बाथरूम हमारी सारी जिंदा बही हुई है यहाँ पे, अगर आदमी कोई मर भी जाए तो बताओ किसी को कहाँ बैठा रहे हम 5 साल में। एक घर का एड्रेस दे देता हूँ, घर का एड्रेस कहाँ है शायद ये दिख जाए, ये घर का एड्रेस सीखिए छोटी, मैं दिखा देता हूँ, ये नाम छटा देते हैं थोड़ा सा, अरे भाई ये हाउस नंबर, ये देखिए संजय कॉलोनी है सेक्टर 23, हटा दो बस, सेक्टर 23 है ये, देखिए ये घर का थोड़ा नॉर्मली एड्रेस दे देते हैं ताकि समझदारी दिख जाए कि कहाँ का है, संजय कॉलोनी का एरिया पड़ता है, घोड़ा गली है, घोड़ा कौन सा, घोड़ा वाली गली मतलब घोड़े घोड़े रहते हैं क्या पर? हाँ घोड़े रहते हैं, इसकी आदमी भी घोड़ा ना बन पाएंगे बस, तो ये घोड़ा वाली गली है आदमी, इसकी एप्लीकेशन कमिश्नर तक गई है और नगर निगम में पड़ी है, पड़ोस ने ये बोल दे पार्षद या विधायक के कारण
करा लो कैसे कराओगे इसको। अच्छा नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही चाचा, कुछ गुलगुली हो रही है गुदगुदी बोलने की, क्या बोलना चाहें, क्या बोलना है, कुछ लग रहा है क्या? मतलब सालों से ये मतलब कि नाली पड़ी है, बोलते बोलते थक गए, मतलब कि साल हो गया सर। अंकल जी के घर के आगे भी पानी भरा रहता था और इन्होंने मलबा नहीं गिरवा उस समय, आज की डेट में उसमें स्कूटी के साथ पूरा गिर गए, उसके बाद जाके इन्होंने लास्ट में मलबा गिरवाया है। और स्कूटी लेके इसी पे चोट बोट तो नहीं आई, मतलब बारिश बारिश में आती आती होगी? मैं दो बार तो मैं ही गिर गया इसमें, दो बार रिश्ते विश्ते आते हैं बच्चों के या नहीं आते? इसी पानी में मेरे पोती मर गई, जबकि ये 22 फुट तक का इसी पानी से, अब कुछ गली में सुनवाई नहीं। रिश्ते रिश्ते आते हैं बच्चों के, लड़के बड़कों के रिश्ते आते हैं, इसमें से कुछ नहीं आएंगे? नहीं जी, नहीं नहीं आ रहे। बच्चों की शादी वादी हो पाती है यहाँ से? नहीं, जो हो गए शादी कैसे हो पाएगी, इतना रिश्ते नहीं आते हैं पर। रिश्ते कैसे आएंगे बताइए, जब इतनी गंदगी रहेगी तो। मतलब लड़के भी कुंवारे मर रहे हैं? कुंवारे क्या मतलब, क्या कुंवारे? कोई नहीं है भैया, मरता तो कोई नहीं है आज के डेट में, लेकिन गली में नहीं आ रहे। इस गली की खासियत ये देखो भैया, ये नया घर बना है और ये रेंट पे नहीं उठ पा रहा। अच्छा, ये नया घर बना है और रेंट पे नहीं उठ पा रहा, कैसे उठेगा भाई साहब, यहाँ तो बुरा हाल है। हाँ, बस गली की हालत देख के लोग वापस चले जाते हैं, केदार नहीं रुकते इस गली में। अच्छा, तो चलिए, ये है समस्याओं का दौर एनआईटी विधानसभा में। जो नीरज शर्मा को सीधा कहते हैं कि भैया, नीरज शर्मा को सीधा कहते हैं कि भैया, यहाँ तो कहते हैं कि विधायक साहब के वोट दिया नहीं है, तो भैया करें कैसे? कई साल से मतलब समस्याओं का अंबार दिखाते दिखाते ये लोग थक चुके हैं। अब कहते ना कि थक गए हैं तो बोलना बंद कर दिया, अब तो सीधा सीधा मुँह पर गालियाँ निकल रही हैं। तो भैया, चुनाव आने वाले हैं, किस मुँह से विधायक साहब आएंगे हम वोट मांगने, वो जरा ध्यान से आइएगा, क्योंकि महिलाएँ साफ साफ कह रही हैं कि इस बार आए तो सही, फिर बताएंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़, नमस्कार।